अग पानी कुत्ते दा, बसा न करिए सुत्ते दा। तो दोस्तों थाने इंगो अर्थ भी बता दिया कि आग पानी और जो कुत्तो होवे बिंगो कदे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वह कदे भी हमलो कर सके। इस तरह री मामला पानी ने देखा तो आई बने हुआ है। पीछे हिमाचल में इं तरह रा दृश्य थाने दिखाण लग रहा है, जिका दृश्य बन चुका है। और आज को पानी है आ पंजाब में भी हालात आई है, हिमाचल में भी आई है, हरियाणा में भी आई हालात बनने वाला है। पानी पिछों बाजो आन लाग रहे है और अब पानी है जिको आ गगर नदी में भी आओगो। थाने बता दिया गगर नदी है जी की हिमाचली पहाड़ियों निकले फिर पंजाब हरियाणा होंती ए तकां राजस्थान के मां में प्रवेश कर जाए, ओटू हैड अठ पानी आवे। हालांकि हरियाणा सरकार ओटू हैड पर पानी ने रोक रखे हुए है, लेकिन जिको पानी लारों आन लाग रहे है बिने देखता तक हाँ थे आइडिया लगा लियो कि पानी कितो आओगो। और गगर नदी के माँ जी का डोला डाला किसाना नजायज लगा रखे है वह हटा लीजो। और सिंचाई विभाग और गगर विभाग जी को बनड़ो है बाने भी ए बांधारी और फिर जिका किसान इंगे माँ बंदा बनाई है बाने तुड़वा दियो, नहीं तो लारों पीछों पानी जी को आन लाग रहे है वो थारे सामने है ओ केठा कितो खराबो करसी। अगर बंदा थे बीच में लगाईड़ा जिका वह नहीं हटवाया तो हनुमानगढ़ और पीछे जिका एरिया अपने हनुमानगढ़ जिले रहा है और आगे फिर गंगानगर जिले रहे भी आप पानी जावे, फिर अनूपगढ़ जावे, फिर आगे पाकिस्तान ने टप जावे। तो ई रास्ते में जिका ही शहर पड़े बन खतरो हो सके। ई वास्ते मारा तो आई कहना है कि गगर नदी के माँ जिका बंदा लगाईड़ा है नजायज बंदा है और वन हटवा लियो और इन्हें खुलो रास्तो दो, क्योंकि गगर नदी जी की पहले पुराने समय में तो खुली चलती, फिर जिया जिया राजनीति वाला राजनेता अठे आया वह जमीन अलॉट कर ली, फिर बंदा लगान लग गया, फिर सिंचाई विभाग ने वह की को नहीं समझे, पॉलिटिशियन ईसा आ रहा है कि वह की को नहीं समझे और अधिकारियों की बात ही को नहीं मानना। और जी की गगर नदी रो एरियो बिन छोटो कर दियो है, छोटो तो कर दियो लेकिन लारों जी को पानी आने लग रहा है। थे देख लो पानी के हालात है, पीछे भयंकर पानी आल लग रहे हो, जिको रास्ते में पानी रे आगे आवे बिना तोड़ तो आन लग रहे हो, नष्ट कर तो आ लग रहे हो और कई गांव और कई शहर के मां नुकसान कर तो आन लग रहे हो। और ही पानी गगर नदी में पूरो अगर आ गयो तो के हालात बनेला। 1995 में थाने याद करा दें बाढ़ आई और आई हालात आ बंदा बीच में बंदड़ा और खुली नाली ने चलन को नहीं देता। ई वास्ते ही 1995 में जंक्शन नहर टूट गयो, कठे आ न होवे दोबारा फिर हनुमानगढ़ पर पानी आर हमलो बोल दे। ई वास्ते मारा तो आई सलाह है, सिंचाई विभाग ने आई सलाह है और किसानों ने भी आई सलाह है कि गगर नदी के माँ जी का बंदा नजायज बनाईड़ा है बने हटवा लो खुलो अन चलन जो पानी खुलो चल रहो जन नुकसान कम करे लो। थाने बता दिया गगर नदी भारत और पाकिस्तान री बरसाती ऋतु में चलने वाली आ मौसमी नदी और हरियाणा ओटू वियर जानी बांध बठे बना लियो। गगर नदी नाम री आगे हाकरा नदी भी इन जाना जावे और कई विद्वान इन प्राचीन काल सरस्वती नदी नाम जाने और वो नदी है जी की वो गगर नदी है वो हिमाचली पहाड़ियों निकलती हरियाणा पंजाब होती राजस्थान होती फिर आगे गंगानगर जिले होती आगे पाकिस्तान के माँ आईगो पानी है जिको वह चले जावे। और आ हर साल आवे, कई साल तो कई कम आवे लेकिन बरसात ज़्यादा अगर हो जावे हिमाचल में पंजाब में हरियाणा में तो इंगो पानी है जिको वो जो को है ज़्यादा आवे। हालांकि किसानों ने गगर नदी में पानी आवे जन धान री खेती करने खातर तो बढ़िया है क्योंकि इंगो पानी उपजाऊ है और पानी में सागे पता नहीं के घुड़ के आवे। गगर नदी के पानी जी की सिंचाई करे चावल री सिंचाई करे धान री सिंचाई करे बींगे में फायदा ही फायदा होवे। और जी का गंगानगर जिले अनूपगढ़ और विजयनगर जिले वाला किसान है वह तो गगर नदी रे पानी ने उड़ीकता रहे, हो सके पाकिस्तान वाला भी उड़ीकता होवे वह भी आप पीछे आगे धान लगा
गावे। ई वास्ते ई पानी जी को आना है, ई वास्ते चेतावनी अब देन लग रहा है, पीछे बरसातां बहुत होने लग रही है। ई वास्ते थाने आ वीडियो चढ़ार सचेत करने खातर थाने वीडियो चढ़ाया हुआ है भाई, अपना अपना ध्यान रखो। और जेका बंदा है सिंचाई बाग किसान मिलर मन तकड़ा कर लियो, नहीं तो कट्ठा टूट ना जावे। ई वास्ते थाने आ वीडियो बना थाने जागरूक करने खातर बतान लग रहे हैं। तो गुरदेव सिंह सैनी ने दियो इजाजत, नमस्कार।